राम राम भाइयों, मारे द्वारा एक भाई साहब का कमेंट और आया था। इस भाई साहब का नाम है हरदीप सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जो कि आपने हमारे चैनल में आकर कमेंट करा है। और भाई भी देखने लग रहे, थारे मन में कोई सवाल है आप भी कमेंट करके पूछ लियो। आप किस विषय में जानना चाहोगे? जो कि भाई साहब ने ये कमेंट करा है, भाई साहब की कोई दुकानदारी होगी, उस दुकानदारी के बारे में ये जानना चाहो है। एक छोटा सवाल करा है भाई, जो बूंदी है, बूंदी ना लंबे समय तक कैसे अच्छी राड़ रखे? भाई भाई बहुत बढ़िया सवाल, जो कि एक तो अपना बताऊंगा, जिस टाइम आप हलवाई हो या फिर भाई आप अपने वर्कर हलवाई के पास बूंदी बनवाओ हो, उस टाइम आपने एक तो चाशनी थोड़ी मुलायम रखवानी, ठीक है भाई, जिससे कि गर्मी का टाइम भी जाए, जिस तक यह बूंदी बढ़कर नहीं, ठीक है। दूसरी बात है, आप भाई ये तो गर्मी का टाइम से इसमें भाई दो हिस्सा घी का ले इसका, एक हिस्सा रिफाइंड को, ठीक है, या आधोआध भी कर सको, या प्योर घी में करो तो अच्छी क्वालिटी का घी हो, ठीक है। अपन मेन मकसद सोचा है बूंदी की चाशनी थोड़ी मुलायम होनी चाहिए, जो कि दो से ढाई घंटा में बूंदी तैयार हो। आप ये ना सोचो भाई बूंदी काटते काटते भड़क कर तैयार हो जाए, 10 मिनट में अगर बूंदी तैयार होगी ना तो आप ये सोच लियो बूंदी भड़केगी बस चाशनी, ठीक है। आपने एक प्रांत बूंदी बना ली मान ली दुकानदारी खातर, ठीक है भाई, 20 किलो या 25 किलो, वह दो से ढाई घंटा में थोड़ी फरकाली हो जाए बूंदी, वह तो ये मान के चालियो थोड़ा लंबो टाइम काट सका है, या फिर 10 से 15 मिनट में टनाटन बदल लाग जाए बूंदी, तो वह ये मान कर चलो भाई दूसरा या तीसरा दिन उसमें खांड बननी शुरू हो जाएगी, करक करक बूंदी जो बोल रहे हैं खांड बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या करना, ठीक सर, जो हलवाई भाई ने बूंदी बना दी, बनाने के बाद में आपने क्या करना है, बूंदी बना दी, ठीक है, 10 मिनट के बाद में बूंदी भड़कने लगी बोलने लगी, तो उसमें एक गिलास पानी का छिट्टा मार कर बूंदी ने सोनी डाल पलटा तो मिला के छोड़ दो, और फिर उसके बाद में जो आपका काउंटर का जो अपना थाल लिया है या प्रांत ले है उस प्रांत में भरवा दे भाई, भरवा के उसके ऊपर भाई आप कोई मच्छरदानी ढको या पलोथिन या कागज कुछ भी ढकना चाहो वो ढक लो, ताकि ग्राहक ने दिख ही जाए वहाँ थाल, ठीक है। फिर आपने क्या करना भाई, आज का दिन है या कल का दिन है, दो दिन में हमारी आधा जो थाल से यानी कि आधी बूंदी बिकली आधी बचगी, दूसरे दिन उसने एक बार थाल में दूसरी प्रांत में दिमरवा के आधा गिलास पानी का छिड़का दे और पलटा तौली सौली मिलवा के उल्टी थाल में भरवा के धरवा दे, नहीं ताज़ा होगी। फिर तीसरे दिन जो बूंदी बिकनी है बिकली, मान कर चलो भाई 3 या 4 दिन में बूंदी दुकानदारी में बिकली है तकरीबन, फिर भी बचा है बूंदी, फिर सारी ना बिका है, कई बार तो ऐसा हो जाए भाई 20 किलो बूंदी है, 20 की 20 बेच देवा एक दिन में और दूसरी बार एक दाणो भी कौन पावे, या कई बार 3-4 दिन के भीतर 2 किलो बूंदी बिका सारी की सारी बच जाए, ठीक है। इस हिसाब से पानी का छिट्टा मार कर थोड़ा थोड़ा आधा गिलास, गर्मी बूंदी खराब होने का चांस को नहीं, आपने सोचो भाई आप पानी का छिट्टा मारा है तो खराब हो जाए, बिल्कुल नहीं भाई साहब, बूंदी कति खराब होनी हुआ है, थोड़ा इस हिसाब से पानी मारो नमी चल जाए उसमें, बड़का नहीं बूंदी यानी कि उसके भीतर खांड नहीं बनाए, ठीक है, वह बूंदी तैयार हो जाएगी। तीसरा चौथा दिन के बाद में भी नहीं बिका है तो उसमें मान लिया अपन भाई अपनी 5-7 किलो बूंदी बच गई, 10 किलो या 5 किलो बूंदी और बनानी है, बनाने के बाद में वह बूंदी उसके भीतर मिला दे, कलर एक सा रखने की कोशिश रखियो, वह बूंदी उसमें मिला कर थोड़ी थोड़ी करके पलटा मार कर और फिर दोबारा थाल भरवा दे। इतना अनुमान कर चलो भाई कोई शनिवार या फिर मंगलवार बीच में एक आधा बार आ लेगा, उस बार का दौरान वह सारी बूंदी बिक जावा है। इस हिसाब से अपना दुकानदारी चलाने का एक तजर्बा या रूल रेगुलेशन बनाना है भाई साहब। इस वीडियो में आपने अच्छी डाल बताई है, अगर आपने हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसने लाइक कर दियो, हमारे चैनल पर नए हो तो इसने सब्सक्राइब कर लियो। जय हिंद, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।